नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों आज 21 फरवरी 2022 दिन सोमवार। दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, यदि आपको मंडी से कोई व्यापार भी करना हो तो यहाँ आके एक बार जानकारी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप यहाँ से व्यापार करो, यदि चाहे वो बेचने को चाहे वो खरीदने को, क्योंकि मंडी है बहुत बड़ी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ हजारों आड़ती हैं। पहले बात करो, जिसके पास अच्छा माल बिके देखो उसके पास माल बेचो, और जो कि अच्छा माल दे बढ़िया माल चेक करके माल खरीदो। मंडी बहुत बड़ी है, आड़ती एक से एक है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, सारे भरपूर आड़ती हैं। तो कोई भी व्यापार करने से पहले तो देख लो कभी आपका नुकसान ना हो जाए, यदि आप वहाँ से बाहर से माल जाएं और यहाँ ना बिके ये देख लो कि आपके इलाके का माल यहाँ बिकेगा या नहीं, और जो यहाँ से माल खरीदोगे वो भी जो यहाँ से खरीद के ले जाएंगे वो आपके इलाके में बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसकी क्वालिटी और वो सही समय से पहुँचेगा या नहीं। जानते हैं आज का अमरूद का क्या कुछ मंडी में बाजार चला हुआ हिसाब से क्या कुछ आज की पोजीशन है। इनके पास ये VNR अमरूद आता है, बहुत आड़तियों के पास आता है, देखो लेने लगी पड़ी यहाँ एक से एक आड़ती, और इनके पास ये सवाई माधोपुर का, जान लेंगे आज की क्या कुछ पोजीशन है अमरूद की। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज की क्या मार्केट है जी? राणा जी VNR की आज की मार्केट अच्छे माल जो है वो बिके 70 से 80 रुपये। 70 रुपये से 80, ये किस रेंज का है? ये है 70 से 75 रुपए की रेंज का। 70 से 75 रुपए का जी। और 80 वाला कौन सा है जिसमें? 80 वाला क्लियर हो चुका है। अच्छा जी। हाँ, जो एकदम A1 क्वालिटी आई है जिसमें एक दाने में कोई मक्खी का निशान भी नहीं है, वो 80 रुपए बिके। अच्छा जी। और गाड़ियाँ कितनी है जी VNR की? VNR की गाड़ी थी 3 से 4 गाड़ियाँ। अच्छा जी। और ये किस रेंज के जी? ये तो राणा जी वही है 45-50 रुपए 55 रुपए, जहाँ क्लियर हो जाए। अच्छा जी। अच्छा, ये भी 80 जी? अच्छा जी। अच्छा, और सवाई माधोपुर की क्या पोजीशन? सवाई माधोपुर जो बढ़िया माल बिके हैं वो बिके 38 से 40-42 रुपए तक लास्ट। अच्छा जी। 38 से 42 रुपए तक के? और जो नीचे थोड़ा मीडियम में, वैसे वो मीडियम है, मीडियम बिके 28-30-32 रुपए तक। अच्छा, मीडियम 28-30-32 रुपए। अच्छा जी। अच्छा, धन्यवाद। यानी कुल मिला के बिक्री कैसी है जी? बिक्री सवाई माधोपुर की बिक्री ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाजार। और इसकी ये बिकने रह रहे कभी बिक लिए? ये अभी बिके नहीं है, ये बैलेंस अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि अब बाजार में देखो आप सन्नाटा है, बाजार में भाव नहीं है इस टाइम कोई। अच्छा जी। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब। और अंगूर नहीं आया दोबारा? नहीं, अंगूर आज नहीं आया, अंगूर देखो बुधवार को अपने पास गाड़ी। अच्छा जी। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने के लिए। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनके। दोस्तों बात करते हैं रिहान फ्रूट कंपनी पे, जानते हैं रिहान फ्रूट कंपनी पे भी आज का क्या कुछ बाजार चला है इनके पास। जैसे इनके पास ये राजस्थान वाला था और ये सवाई माधोपुर के अमरूद, नहीं अपना VNR अमरूद। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, कैसे हो? हाँ जी भाई साहब, बिका नहीं जी आज अब तक है। राणा जी अभी माल ये ज्यादा ओवर साइज है, तो इतना बड़ा साइज को लोग पकड़ते नहीं है। अच्छा, ये करीबन किलो का पीस है एक। अच्छा जी। अच्छा, ये देखो जी कितना बड़ा है, ये 900 ग्राम का 800 ग्राम का दाना है। अच्छा जी, तो इतने बड़े पीस को भी लोग पकड़ते नहीं है। अच्छा जी, आवर साइज होगा जी, सबसे बेस्ट साइज है ये। अच्छा जी, इस पीस साइज को सबसे ज्यादा पकड़ते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो आज का क्या बाजार चला जी ऐसे का जी? इस माल का तो अभी कोई रेट लगा नहीं है, माल ऐसे कैसे रखा हुआ है, बिका नहीं है। अच्छा, ये माल बिका 70 रुपए के, ये वाले 70। हाँ जी, 70 रुपए का बिका है, ये मार्का है माँ कृपा। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक, बहुत बढ़िया माल है। और ये अपना मार्का RFC वाला? RFC वाले माल बिक रहे हैं, लेके 30 रुपए से लेके 40 रुपए तक। ये सवाई माधोपुर? सवाई माधोपुर। अच्छा जी, जो बढ़िया वाला है वो क्या रेट का जी? बढ़िया माल 40 रुपए तक। अच्छा जी, और इसका अपने पास ये हाई साई आज का जी? हाई ऐसा ये 70 रुपए बिका है, उससे ऊपर नहीं बिका आज माल। अच्छा, बाकी जो बहुत ही एक्स्ट्रा ओनर है किसी ने अच्छा बना के भेजा तो उसका 80 रुपए माल बिका है। अच्छा जी। अच्छा, आज डाउन है थोड़ा ये? आज थोड़ी सी मार्केट स्लो है। अच्छा, क्योंकि आज अराइवल, क्योंकि कल संडे की वजह से इसका राजस्थान का अराइवल ज्यादा है। अच्छा जी, दो जी, दिन की मंडी है? दो दिन की मंडी है। अच्छा जी, इसलिए धन्यवाद भाई साहब जी। अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर? अपनी फर्म है RFC, मोबाइल नंबर 9818188776। अच्छा, धन्यवाद दोस्त जानकारी। ग्राहक आए हमारे पास ये जी? हाँ, ये। अच्छा, कहाँ से जी? शिकारपुर से आए। अच्छा, ये अमरूद लेने वाले जी? ठीक। कर लेते हैं अनार की, जानते हैं अनार का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला है, जान लेंगे आज को। आपको बोली दिखा दें अनार की, क्या कुछ रेट चल रहा है इसका और कहाँ वाला माल है ये। $450
लो जी 400 रुपए से बोली शुरू हुई इसकी अनार की। अस्सी डब्बों का लाट है ये, 80 डब्बे का। ये गया दोस्तों 530 रुपए का, 10 किलो का डब्बा, यानी 11 किलो वजन होता है कांटे पे, 10.5-11 किलो या 11 किलो, तो माल 10 किलो निकलेगा इसमें। चलो देख लेते हैं एक और लोट की क्या बोली चलेगी दोस्तों, एक और चलेगी बोली। और जो यही माल दोस्तों जितना मोटा साइज है, इसमें थोड़ी सी छितरी है पर अंदर से बड़ी है, और यही माल जो राजस्थान के हो या गुजरात के इतना बड़ा साइज में, तो इसमें कम से कम 200 रुपये, ये 660 रुपये का गया जी दोस्तों। ये सोलापुर है, ये माल है, जान लेते हैं ये कैसा साइज का बड़ा जी है? वह है 24 दाना। ये 24 दाना, और ये रामे कितने दाने हैं? 18 दाने, और ये 14, और ये 12। अच्छा, इनका क्या, ये राजस्थान वाले हैं गुजरात? जी जी राजस्थान। इनका क्या बाजार चला भाई? 1000 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं मोटे, 14 दाने। अच्छा जी, और ये 800। अच्छा जी, और ये 650। अच्छा जी, वो 4500-5500। अच्छा, और जिनकी ये बोली हो रही भाई, ये सोलापुर है? सोलापुर के है, अंदर से ठीक नहीं है कार्ड। अच्छा जी, छितरी सी होती है अभी? छितरी है थोड़ा, अभी कलर कम है। अच्छा, और जो नया माल इसका जो बड़ी है, ऐसे कलर में है जैसे? ये बढ़िया नहीं है उसमें, यही बढ़िया। कितने दिन तक चलेगा वो? अभी लगेगा एक महीना लगेगा। अच्छा, एक महीना लग जाएगा जी उसमें चलने में जी। अभी ये राजस्थान और गुजरात तो बस खत्म होने के नजदीक है जी? राजस्थान कम हो गया, अभी वो कच्छभुज वाले शुरू हो गए, आज बहुत आए हैं कच्छभुज वाला जी। हाँ जी, 35 गाड़ी। 35 गाड़ी जी कच्छभुज की जी, राजस्थान, वो जो गुजरात कच्छभुज वाले। अच्छा, उसका कलर कैसा है जी वैसे? कलर हल्का है। कलर हल्का है जी। अच्छा जी, अच्छा, ये अपना सोलापुर चला? सोलापुर भी हल्का है, ये राजस्थान बढ़िया। ये सोलापुर जो है, ये अपना जो महाराष्ट्र वाला है, ये कब तक जोर पकड़ेगा पूरे अपने? 1 महीने बाद जोर पकड़ेगा जी। अच्छा, ठीक ठीक, अभी 1 महीने तक कच्छभुज चलता रहेगा जी, जी, जी। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। दोस्तों ये थे नार के रेट, जो पहले बोली दिखाई वो सोलापुर के महाराष्ट्र के थे, और जो डेयरियों के रेट बताए ये अपना राजस्थान वाले थे। ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बात करते हैं कश्मीर वाले सेब की, जानते हैं कश्मीर वाले सेब का आज का मंडी में कितनी गड्डियाँ आई। दोस्तों ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है छोटी सी, मंडी बहुत बड़ी है, हजारों जानते हैं आज का मंडी में क्या कुछ। ये मंडी की सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि मंडी में कितनी गाड़ी, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं इसी से अंदाज़ा लगाते हैं। सर जी नमस्कार जी। सर जी, आज का अपडेट करो, मंडी का कितनी गाड़ियाँ हैं जी मंडी में? राणा जी आज गाड़ी है 800 गाड़ी है। 800 जी? हाँ, डबल मंडी है जी फिर तो? हाँ, 2 दिन की मंडी के हिसाब से। पेटी वाली है कि ये वाली भी सी ए वाली? नहीं, ये नॉर्मल स्टोर की गाड़ी है। ये नॉर्मल है कि ये सी है जी? ये नॉर्मल में, नॉर्मल स्टोर की गाड़ी है, डब्बों में पैक हुई हुई है। अच्छा, फिर ये क्या काम करा जी उन्होंने? ये टनमर्ग साइट का माल है, मतलब शुपियान का माल नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ये टनमर्ग साइट का माल है, ये 650 के आसपास बिकेगा। अच्छा, 650 के आसपास। हाँ, 50 दाना, 40 दाना और 60 दाना। और वजन कितना होता है जी इसमें? वजन वही है 10 किलो, 200-300 ग्राम वजन है इसमें। अच्छा जी, फिर 650 का तो कोई ज्यादा नहीं जी इसमें तो? है नहीं, एक्चुअली में ये नॉर्मल स्टोर का माल है, और डब्बे में पैक किया हुआ है, ये ओरिजिनल, ये सीए नहीं है। अच्छा जी। हाँ, अगर सीए का माल बढ़िया है तो समझो आप डिलीशियस का बाजार समझ के चलो, डब्बों में 750 से लेके 850 रुपए। अच्छा जी, और बढ़िया वाला होगा जी। हाँ, और जो कुल्लू डिलीशियस है उसका रेट समझो 800 रुपए से लेके 1000 के बीच में। अच्छा जी, जैसी क्वालिटी वैसा माल। और पेटी का कैसा चल रहा है जी आज का जी? पेटी का देखो, अब ताजे मालों में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनमें दागी की शिकायत आने लगी है, वो भी जैसा माल है समझो 1000 से लेके बढ़िया माल जो है 1100-1150 रुपए तक है। अच्छा जी। हाँ,
तो फिर जिन किसानों ने मान लो अब ये माल रोका भी, नॉर्मल स्टोर में भी रखा या फिर इसमें जैसे डब्बा भी लगाया, फिर इसको तो कोई बेनिफिट नहीं जी अब ज्यादा? नहीं, बेनिफिट कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि उस टाइम जब सीजन के अंदर उनको प्रॉब्लम होती है पैकिंग की, पैकर नहीं मिलते और दिल्ली का किराया भी ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से आज किराया कम है। अच्छा, तो उनके पैसे ठीक ठाक बन जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, बाकी जैसा माल है वैसा रेट है। उठाव कैसा है जी मंडी में आज? उठाव ठीक है, उठाव में कोई वो नहीं है, मतलब ना तो ज़्यादा तेज़ी है और ना ज़्यादा डाउनफॉल है। अच्छा जी, बाजार जो है जैसा माल है उसके हिसाब से बाजार ठीक है। अच्छा जी, अच्छा। और ये भाई साहब किसानी है जी ये मंडी में जी? नहीं, ये हमारे व्यापारी हैं समझो। अच्छा, ये भी मतलब इनसे प्यार है, माल तो किसी और को डालते हैं। अच्छा जी, हाँ लीजिए। हाँ जी भाई साहब जी, क्या नाम है जी दोस्त अपना जी? मेरा नाम है मंजूर अहमद सिंह। अच्छा, कौन से गांव से हो आप? शुपियां नागपुर से। अच्छा जी, तो सेब लेके आते हो आप यहाँ पर? सेब लेके आया इधर से। अच्छा जी, तो कैसा बिक रहा जी आप वाला सेब? जैसे माल है वैसे रेट है। अच्छा, जैसे इन्होंने रेट बताया है कैसा रेट है? ये माल तो स्टोर में रखना नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये तो बेकार है, क्यों उसमें खर्चा ज्यादा आता है। हाँ जी, माल स्टोर में वो होना चाहिए जिसमें रेट लग जाएगा यहाँ से। अच्छा जी, कुल्लू डिलशन बढ़िया होना चाहिए। हाँ जी, जो ये डिलशन है या कुल्लू भी, उसमें कुल्लू में भी फर्क है, जो बेकार है उसमें उसमें यहाँ कोई मिलता नहीं। ये तो सीजन पे बेच के फायदा था इनको। सीजन में उस वक्त बेचेगा या उस वक्त 1,000-1,950 होगा उस वक्त। अच्छा, आजकल भी उसका हुआ रेट नहीं मिलता है। अच्छा जी, तो जैसे मंडी घूम रहे आज आप? हर सारी मंडी में फाड़ पर हमने घूम रहे हैं आज। आप तो हर रोज घूमते हैं? हर रोज हमें दो महीने। तो कैसी पोजीशन नजर आ रही सेब की आने वाले टाइम में जी? नहीं, हालात यहाँ तक पोजीशन ठीक नहीं है, इससे बेहतर वही बेचना है गर्मी। अच्छा जी, गर्मी उससे रेट बढ़िया। ये माल यहाँ से 700 होता है, उधर ये 750 होता है। अच्छा जी, हाँ उधर स्टोर में भी उसका यही रेट आएगा। अच्छा जी, बिल्कुल, यहाँ भी वही रेट है, वहाँ भी यही रेट, वहाँ इससे ज्यादा है 50। तो आप पहले भी आते थे मंडी में यहाँ? हमें 20 साल से आ रहे हैं हम। 20 साल हो गए इस मंडी में। तो जो पहले के बाजार चलते थे मंडियों के, पहले की बाजार की बात छोड़ा, पहले थी वहाँ कोई माल लेता नहीं है, सब माल यहाँ आता है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें कोई किसी को 10 रुपये भी आया था वो भी यही बेच रहा है। आजकल वहाँ भी रेट है, यहाँ कम्पटीशन में है। अच्छा, आजकल वहाँ कम्पटीशन है। दिल्ली की मंडी थोड़ा डाउन ही चल रही थोड़ा? यहाँ दिल्ली में हर मंडी से ये दिल्ली मंडी का डाउन है। अच्छा, हर मंडी से। तो वो पारियों को तो फायदा है, लेने वालों का मैं कहूँ सबसे ज्यादा फायदा यहीं से है। फायदा लेने वाले को यहाँ का फायदा, हमारे कोई फायदा नहीं है। हमारे जी, लेने वाले को फायदा है यहाँ पर? लेने वाले का फायदा है, क्योंकि जो वहाँ जाएगा किराया खर्चेगा उसको, यहाँ से वहाँ जाता उसको यहाँ से वहाँ 50 रुपये ज्यादा होता है। हाँ जी, और यहाँ उसको सारी किस्म का माल मिल जाएगा, हर किस्म का जो उसका वारा आएगा वो लेगा, उधर चाहे वो पेटी लो सीए का लो कैसा भी लो। बिल्कुल, पेटी लेगा, डब्बा लेगा, कोई भी लेगा, वो तो उसको वहाँ मिल सकता है। चलो देखो जी व्यापारी अब आएंगे। धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी? मेरा मोबाइल नंबर, कार्ड दिखा दो जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9891-95701। हमारी फर्म का नाम है हरी फ्रूट ट्रेडर्स, 2722 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और अपना कार्ड हो जी, कार्ड दिखा दो। कार्ड आज नहीं है, आज ठेकेदार जी छुट्टी पे गए हैं हमारे। अच्छा जी, तो मोबाइल नंबर दी रहे बोल दो दोबारा। 9891-95701। अच्छा, धन्यवाद जी। और हमारे ये फेसबुक वाले भी आए हुए हैं, इनसे भी ले लो इंटरव्यू आज। थैंक यू। हाँ जी भाई साहब, कैसा चल रहा जी आपका मामला? जी आप ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी से जी बताइए। हाँ जी, कैसा चल रहा जी मामला जी आपका फेसबुक वाला? बस ठीक चल रहा है, आपका भी ठीक चल रहा है राणा। अच्छा। जी मुझे आपसे एक दरखास्त है। हाँ जी, मैं आप इस वीडियो में कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपनी चैनल पर करते हो, उसका नाम है फ्रूट मार्केट। हाँ जी, मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ जो भी कश्मीर से देख रहे हैं राणा जी की दिल्ली फ्रूट मार्केट मेरा YouTube चैनल चल रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो बाकी Facebook पे आ रहा है वो इसका कंटेंट नहीं है, इसका Facebook नहीं है, अलबत्ता इसकी जो YouTube है दिल्ली फ्रूट मार्केट, वो सब्सक्राइब कीजिए, सभी ग्रोवर्स के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी और हमेशा पहुँचेगी। इसलिए मैं सभी कश्मीर के व्यूअर जितने हमें देख रहे हैं वो राणा जी की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने फेसबुक का भी नाम बता दो। मेरा फेसबुक है पुलवामा न्यूज़ एजेंसी, और सिर्फ मेरा फेसबुक चल रहा है। अच्छा,
तो वो वहाँ पे फेसबुक पे वो देख सकते हैं, क्योंकि मैं आप फेसबुक में ये काम करूंगा पुलवामा न्यूज एजेंसी के नाम से। हाँ, मैं आप फेसबुक में ये करूंगा, उसके जब मैं घर जाऊंगा राणा जी के वीडियोस में उसी पे डालूंगा। हाँ जी, कोई नहीं, मैंने अपना कॉन्टेक्ट फ्री कर रखा जी, पूरे देश में कोई भी डाल सकता है। एक्चुअली जब मैं घर जाऊंगा फिर राणा जी किसी को कॉपीराइट, क्योंकि कॉपीराइट मैं हम कॉपीराइट नहीं करते, क्योंकि राणा जी के सामने खुद बोलते हैं, जो ही आप यहाँ पे हम जाएंगे घर फिर आपका कंटेंट चलेगा हमारी चैनल पे। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम जी, कोई हाँ सर, राणा जी हमेशा होते हैं यहाँ पे। और फिर से हम कहते हैं राणा जी की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फायदा होना चाहिए आपका भी सब लोगों का। शुक्रिया 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 जी आपका। दोस्तों बात करते हैं नारियल पानी की, जानते हैं नारियल पानी की मंडी में कितनी गड्डियाँ आई और क्या कुछ रेट चला, जानने के बाद हिसाब से आज की क्या कुछ पोजीशन है जी। सर जी नमस्कार जी, सर जी आज का अपडेट करो नारियल का जी, ये बताओ अभी पहले परसों की तो ना कोई माल बैलेंस है? परसों की 30 गाड़ी बैलेंस है, 30 तीन अख 30 30 गाड़ी बैलेंस है टोटल मंडी में, 70 गाड़ी कराए वाला। अच्छा जी, 40 गाड़ी ताजी घुसी है। अच्छा जी, बाजार की बिल्कुल मामला ढीला। अच्छा जी, अच्छा माल बिक रहा है 25-26 रुपये से लेकर 30 रुपये तक, 25-26 से 30 रुपये तक। फिर जो परसों का माल बचा है जी, वो शनिवार का, ये तो माल खराब नहीं होएगा जी? फिर माल खराब नहीं होता, थोड़ा सा रंग चेंज हो जाता है बस, और अच्छा नहीं होता। अभी मौसम ठंडा है ना। हाँ जी, अभी खराब नहीं होगा, गर्मी में खराब होगा। अच्छा, गर्मी में इसकी जो वो कैप है वो उतर जाती है? कैप उतर जाती है। अच्छा जी, अच्छा फिर ये तो जी आज भी नहीं क्लियर होगा जी? ये तो आज भी क्लियर नहीं होगा, मंडी 2-4 दिन के लिए बैठ गई। अच्छा जी, वो तो फिर छुट्टी ना करनी पड़ जाए पहले की तो, जैसे मंडी बंद करी थी। छुट्टी बंद नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आज का बाजार देखते हुए लोग माल लोड कम कराएंगे। अच्छा जी, अच्छा धन्यवाद जी सर जी। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है इनका, 12 महीने नारियल पानी का ही काम है। दोस्तों मंडी बहुत बड़ी है नारियल की, ये नहीं है कि एक दो आड़ती है बस, मैं आगे दूर तक जा नहीं सकता, तो आए तो घूमो फिरो देखो, मान लो घूमो फिरो देखो माल बेचो। दोस्तों बात कर लेते हैं आशीष कपूर भाई के साहब के पास। हाँ जी भाई साहब जी, ऐसा आज का कैसा चला जी? सर आज का रेट 28 से 30 रुपए का रेट है। क्या रहेगा, परसों की भी काफ़ी गाड़ियाँ बची बैलेंस है जी? आज काफ़ी गाड़ी आई हैं। अच्छा जी, लगभग आज गाड़ियाँ 40 के लपेटे में। अच्छा टोटल जी सारी? हाँ जी है। टोटल, हाँ जी, हाँ जी, कह रहे परसों की भी बैलेंस है कुछ? 10-12 गाड़ी बैलेंस है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद सर जी। दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर है? दुकान नंबर C619 आजादपुर मंडी आशीष कपूर। हाँ जी, और मोबाइल नंबर 99-99-623-724। अच्छा जी, अच्छा धन्यवाद जी। दोस्तों ये है इनका मोबाइल नंबर, ये तो बात करते हैं इन भाई साहब के पास, संतराता है बल्लू भाई के पास और ये किन्नू। दोस्तों मंडी बहुत बढ़िया है, जैसे मैं बोलता हूँ आड़ती बहुत है, जान लेंगे आज का किन्नू मंडी का और संतरे का क्या कुछ रेट चला। दोस्तों ये जैसे इनकी दुकान पे संतरा है तो इन्हीं का रेट है ये, हर दुकान पे अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग रेट होता है, ये खाली एक मोटा सा अंदाज़ है। जान लेंगे भाई साहब से आज का क्या कुछ बाजार चला संतरे का, और ये इनके पास ये किन्नू आए, जान लेंगे किन्नू का भी आज का क्या कुछ बाजार चला, जो स्पेशल किन्नू के बेचने वाले बने अड़तियाँ भाई साहब आज की क्या पोजीशन है। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी आज का रेट बताओ जी। आज का रेट किन्नू का संतरे का? दोनों का बताओ, पहले संतरे का बता दो। संतरा 141 दाना बिका है, 60 रुपए किलो, 71-50 रुपए, 91-40 रुपए। अच्छा, भवानी मंडी के, भवानी मंडी वाला है जी। 205 बिका है, 30 रुपए किलो। अच्छा जी, कि तोल के चल रहा जी? हाँ ये तोल वाला है। अब डब्बा का रेट में आ जाओ। हाँ जी, 41-1500, 71-1300। हाँ जी, और 91-1100, 205-900। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, तो और किन्नू का जी ये कहाँ वाला? पत्ते वाला 35 रुपए। हाँ जी, और बगैर पत्ते का बिका 30 रुपए, 32 रुपए। अच्छा, ये पत्ते वाला क्या रुपए? 35 रुपए। 35 रुपए, हाँ जी, बिना पत्ते का वो 30 रुपए बिका, वो 20 रुपए बिका, ये 20 का जी। हाँ जी, हाँ जी, ये 35 रुपए। हाँ जी, तो किन्नू की कितनी गाड़ियाँ जी मंडी में? किन्नू की 35 गाड़ी है, संतरे की 22 है। अच्छा, किन्नू की बिक्री कैसी चल रही है? बढ़िया बिक्री चल रही है। अच्छा, खुल गया मौसम अब तो? मौसम बढ़िया है। अच्छा जी, अच्छा धन्यवाद दोस्त भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर है? अपनी दुकान का एड्रेस है 1138, मोबाइल नंबर है 84-48-93-99-10। अच्छा, ये हमारे तो समीर भाई है नखलाऊ के। अच्छा जी, इनकी दुकान नखलाऊ में है, लखनऊ में। हाँ अच्छा, दियो भाई जा। तो आप लखनऊ से यहाँ माल खरीदने के लिए आते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या माल खरीदते हो यहाँ से? यही सब किन्नू वगैरह, संतरा है, सेब। अच्छा, है,
तो यहाँ से कितने टाइम में पहुँचते हैं आपके वहाँ पर माल? ये हमारे वहाँ 16 घंटे लगते हैं माल पहुँचने में यहाँ से गाड़ी। यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर आते हैं? नहीं, अपनी गाड़ी किराए की गाड़ी लेते हैं यहाँ से। अच्छा, तो क्या क्या माल लेके लेते हो यहाँ से? यहाँ से मैंने आज संतरा लिया है, किन्नू लिया है, अमरूद लिया है, अंगूर लिया है, मौसमी ली है, तरबूज सरदा लिया है, अच्छा कीवी ली है, चीकू लिया है, अनार लिया है। दुकान है आपकी या अपनी आड़त है? मेरी आड़त है अपनी, वहाँ पर आड़त है लखनऊ में। हाँ जी। क्या नाम है अपनी फर्म का? MB मुन्ने बाबू एंड कंपनी। अच्छा, मुन्ना बाबू एंड कंपनी जी। चलो ठीक है, बच जाता है फिर कुछ यहाँ से दी? जी कुछ पैसे पूछे जी। अरशद भाई बहुत बढ़िया आदमी है, इनका किन्नू बहुत नंबर एक का आता है। अच्छा जी। मैं इन्हीं का किन्नू बेचता हूँ और किसी का नहीं बेचता। अच्छा चलो, अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर बता दे यदि किसी को तेरे लखनऊ से ही लोकल में माल। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद समीर अंसारी है, मैं लखनऊ से हूँ। हाँ जी। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 6393-68-82-84। अच्छा, धन्यवाद भाई जी। हाँ जी। तो बात करते हैं तरबूज की, जानते हैं शेरे भाई की दुकान पे आज का तरबूज का, जो इनके पास तरबूज आया, सर्द आया और ये बोबी खरबूजा आया, क्या कुछ इसका बाजार चला। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, तरबूज की कितनी गाड़ियाँ जी मंडी में आज? आज तरबूज की 33 गाड़ी है, 33। 33। अच्छा जी। तरबूज का बाजार हो गया 20 रुपये से लेके और 24 रुपये तक। 20 से 24 पैकिंग। अच्छा जी। और जो लूज में? लूज में जी, लूज में 18 रुपये से 22 रुपये किलो तक। अच्छा जी। और इसका सर्दे का जी? सर्दे का रेट भैया ये वाला निकला 160 रुपये का। 6 दाने जी हैं? 6 दाने 160-170। और ये 5 दाना जी? 5 दाने का 200-210 रुपये। अच्छा जी। 180। अच्छा, 180 से 210। ये भी आज डाउन है जी थोड़ा? ये शादियाँ थी ना, जब तक तो चल रहा है काम। हाँ जी। आज शादियाँ है नहीं। अच्छा जी। तो एकदम ही डाउन हो गया। अच्छा जी। और ये तेज है अभी। बोबी खरबूजा कहाँ वाला जी है? ये बोबी मेरा नहीं है, किसी और का खरबूजा है। अच्छा जी। ये बॉबी वैसे 450-400 रुपये बिक रहा है। और वजन कितना है जी इसमें? वजन 10 किलो। 10 किलो इसमें वजन जी। तो ये बॉबी का पता हर कहीं पता होती है। हाँ जी। क्योंकि इसमें 18 दाने 20 दाने। हाँ जी। कोई 400 बेचता है, कोई 450। अच्छा जी। 12-13 दाने होते हैं वो 500 ही बिकता है। अच्छा, साइज के हिसाब से बिकता है? साइज के हिसाब से बिकता है ये। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए। सर जी, ये दोस्तों इनकी दुकान का एड्रेस है और ये शेरे भाई का कॉन्टेक्ट नंबर है जी। धन्यवाद जी।